जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ कैडेट पूर्वा कुमारी फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका सेलेक्शन सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हो गया है। ये वीडियो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में सेंट जेवियर्स कॉलेज के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हैं और ये भी बताया है कि पढ़ाई के अलावा हमारे कॉलेज में काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस एंड क्लब है जिसको आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपका पर्सनालिटी वगैरह बहुत ज़्यादा इन्हांस होगा। तो हमारे कॉलेज में जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनसीसी, विच इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। आप में बहुतों को पता होगा एनसीसी क्या है, बहुतों को नहीं पता होगा एनसीसी क्या है, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। हमारा जो एनसीसी है वो आर्म्ड फोर्सेस का यूथ विंग है, जिसमें आर्मी विंग, नेवी विंग एंड एयर विंग होता है। इसमें हमें बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए, एनसीसी क्या है, इससे कैसे ज्वाइन करते हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो बात करें हमारे कॉलेज के एनसीसी की, तो हर एक साल हमारा कॉलेज एनसीसी रिक्रूटमेंट का डेट निकालता है, जिसमें फ्रेशर्स जो कैडेट्स होते हैं उनको भर्ती किया जाता है। तो हमारा जो 2020 का जो रिक्रूटमेंट डेट है अभी नोटिस आउट हो चुका है। तो हमारा जो एंड यस, आपको जो मेन थिंग माइंड में रखनी है, अभी जो कोरोना का ईयर चल रहा है तो आपको, आप जब कॉलेज आते हो तो प्लीज़ आप प्रॉपर सैनिटाइज़र, अपना मास्क, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर आओ। तो आपका जो रिपोर्टिंग डेट है वो है 12 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक। आपका रिपोर्टिंग टाइमिंग है सुबह में 7:30 AM। फिर है आपका रिपोर्टिंग वेन्यू कॉलेज क्वाड्रेंगल, यानी जब आप कॉलेज में स्ट्रेट एंटर करते हो तो 10 या 15 कदम के बाद आपको राइट लेना है। राइट में जाकर आपको वहाँ पे एक बोर्ड दिख जाएगा, एनसीसी लिखा हुआ होगा उस पर, वही आपका लोकेशन होगा। एंड स्टिल अगर आपको ये लोकेशन फाइंड करने में दिक्कत होती है तो हमारे जो मेन गेट है हमारा कॉलेज का, वहाँ पे गार्ड अंकल बैठे होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। फिर बात आती है आपको क्या पहनकर आना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो यूनिफॉर्म होगा वो होगा ट्रैक पैंट, कॉलर टी शर्ट एंड स्पोर्ट्स शूज, दिस इज़ फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। ट्रैक पैंट यानी कि ट्रैक पैंट, नो जींस, एंड गर्ल्स के लिए नो एक्स्ट्रा अदर क्लॉथ्स, सूट और वॉट एवर जो भी हो। एंड कॉलर टी शर्ट मीन्स कॉलर टी शर्ट, स्पोर्ट्स शूज मीन्स स्पोर्ट्स शूज, नो स्लीपर्स, नो सैंडल्स, ओके। इसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको माइंड में रखनी है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स: फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नेशनलिज्म। यानी हम जो पॉइंट्स नोटिस करेंगे वो ये होगा, आपका फिजिकल फिटनेस, एंड्योरेंस, आपका स्टैमिना कैसा है, आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो या नहीं, आपका एकेडमिक्स कैसा है, एंड सबसे मेन है आपका जो नेशनलिज्म है, आपका देश के प्रति जो भावना है, पेट्रोलिज्म, वो आपका कितना हाई है। तो बात करें एनसीसी में ज्वाइनिंग प्रोसेस की, तो ये आपका 3 लेवल पे होगा जिस पे आपको जज किया जाएगा। आपका पहला होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर आपका होगा रिटन टेस्ट, फिर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू। फिजिकल फिटनेस में आपको बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाया जाएगा, दौड़ाया जाएगा, जिस पे आपको जज किया जाएगा, जिसमें आपका स्टैमिना ये सब देखा जाएगा। देन सेकेंड रिटन टेस्ट आपका होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू डैट। देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, इसमें जो मेन है, आपसे मेन बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आप एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो प्लीज़ इसका एक अच्छा सा वैलिड जेन्युइन रीज़न पता करके आइएगा, आप सच में एनसीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। डोंट गिव रीजंस लाइक डिसिप्लिन सीखना है और यूनिफॉर्म पसंद है उसको पहनना है और यूनिटी यूनिटी सीखना है, प्लीज़ डोंट गिव सच काइंड ऑफ रीजंस, ओके। देन बॉयज़ आर एडवाइज टू कम विथ प्रॉपर हेयर कट एंड क्लीन सेव,
वेयर एज गर्ल्स विथ प्रॉपर बन. बॉयज़ का जो बाल है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर हेयर कट होना चाहिए एंड क्लीन सेव होना चाहिए. बियर्ड वगैरह आपका बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपका जो बाल है वो एक प्रॉपर बर्न में बंधा हुआ होना चाहिए. आपके फेस पे एक भी बाल नहीं आना चाहिए, ताकि आप कुछ भी एक्टिविटीज़ करो तो आपका बाल खुले ना. एंड अगर ये सब ऐसा कुछ होता है तो मेक श्योर आप पैसा ना होने दो, क्योंकि इसमें आपका पॉइंट्स कट सकता है. तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना हाउ टू मेक 8 फिगर. आप अपना बाल जो है वो टाइटली बांध कर आइएगा. इसके बाद द सेलेक्शन विल बी डन बेस्ड ऑन द अटेंडेंस, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंजिक्यूटिव एनसीसी क्लासेस. यानी आपको जो डेट्स दिए गए हैं उस पर आप कंटिन्यूअस कितने दिन आ रहे हो, आपका अटेंडेंस, आपका डेडिकेशन कितना है एनसीसी को लेकर, ये सब आपका देखा जाएगा. तो इसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हमारा जो कॉलेज है उसका मेन गेट के पास कुछ गार्ड अंकल्स बैठे होते हैं, जो आपको कॉलेज में एंट्री तभी देंगे जब आपका वो आईडी कार्ड देखेंगे. तो अभी आपको टेम्प्रेरी आईडी कार्ड दिया गया होगा, तो जब आप कॉलेज आते हो तो अपना टेम्प्रेरी आईडी कार्ड का एक जेरोक्स अपने पास रख लीजिएगा. कुछ डिपार्टमेंट्स को अभी टेम्प्रेरी आईडी कार्ड नहीं दिए गए हैं, तो आप कुछ भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपने साथ रख लीजिएगा जिससे ये वेरीफाई हो पाए कि आप सेंट जेवियर्स कॉलेज के ही स्टूडेंट हो. एंड सबसे मेन बात, इस बार जेवियर्स कॉलेज में उन्हीं स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया जा रहा है जो सेंट जेवियर्स कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं. इसके बाद जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे एनसीसी क्या है, तो आपको एक कैडेट में क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं वो पता चल जाएगा. तो जब आप आते हो तो बिहेव अकॉर्डिंग टू डैट. फिर मैंने जो आपको गाइडलाइन में बताया है यूनिफॉर्म वगैरह टाइमिंग को लेकर, तो प्लीज़ उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा. एंड वन मोर थिंग, हमारे एनसीसी में सारे कैडेट्स होते हैं, सारे सीनियर होते हैं, कोई भी यहाँ पे भैया दीदी नहीं है. तो जब आप एनसीसी ज्वाइन करने आते हो तो प्लीज़ डोंट कॉल देम भैया दीदी सर और मैम, जस्ट कॉल देम सीनियर. एंड व्हेन यू मीट देम जस्ट ग्रीट देम जय हिंद. ओके. इसके अलावा आप अपना वाटर बॉटल खुद लेकर आइएगा अपना. एंड अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कुछ भी अपना मोबाइल सेलफोन ये सब लेकर आते हो, तो उसके जिम्मेवार आप खुद होते हो. अगर वो खोता है तो इसका कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है. एंड अगर आप एग्ज़ाम वगैरह के टाइम कुछ यूज़ करते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया जाएगा. तो ये सब चीज़ों को आपको माइंड में रखना है. एंड यस, नेल्स आपका प्रॉपर कट होना चाहिए. बियर्ड को लेकर, बाल को लेकर, ये सब आपका प्रॉपर कट होना चाहिए. गर्ल्स नो मेकअप, नो सैंडल्स, नो इन हेयर स्टाइल, कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रेट सिंपल एक हेयर टाइटली बर्न होना चाहिए. बाद जब आप कॉलेज आते हो तो आपको खाली पेट बिल्कुल भी नहीं आना है, दिस कैन अफेक्ट योर हेल्थ. एंड आपको अपना वाटर बॉटल साथ में लेकर आना है. एंड हमारे एनसीसी का इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल बोथ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो आप प्लीज़ जाकर वहाँ पे फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इसके बाद एट लास्ट जब आप आ रहे हो तो प्लीज़ एनसीसी के बारे में डिटेल में पढ़ कर आइएगा, इसका हिस्ट्री, इसके बारे में सब कुछ. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके. तो एट लास्ट आपको फिर भी कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न, आई एम ऑलवेज देयर. ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद. I'm